तो हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके। मैं आपका अपना अभिषेक चौधरी वापस आ गया हूँ अगली वीडियो में। तो भाई मेरी गाड़ी का ये साइड मिरर टूट गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो पता नहीं भाई ड्राइव कर रहा था किस तरह से टूट गया, उससे मुझे नहीं पता, तो ये टूट गया था। अब मैं नया साइड मिरर पता करने आया, तो जैसा कि पहले भी लोकल चल रहा था और बढ़िया चल रहा था, वो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जो ओरिजिनल शीशा है वो लगभग 2800 रुपये का है और जो लोकल है वो 800 रुपये के आसपास है। तो आप देख सकते हैं, अभी भी मैं इस दुकान पर गया था, ये सामने अगर आपको दिख रही हो शिवा ऑटोमोबाइल, तो यहाँ पे भी नहीं मिला। एक दो तीन चार दुकानों पे मैं चला गया, और पिछली बार एक ही दुकान पे गया था, उस पर ही जाते हुए मिल गया था, बट अब तो किसी भी दुकान पर पता नहीं आज साइड मिरर मिल ही नहीं रहा। और अब मैं ओरिजिनल के लिए भी कह रहा हूँ तो ओरिजिनल भी नहीं मिल रहा। शोरूम में बात करी, वो लोग कह रहे हैं सर 15 दिन में आएगा, और ये शीशा अभी लगवाना था। तो देखते हैं एक और एक दो दुकानों पर और ट्राई करते हैं कि मिलता है नहीं मिलता, मिलता है तो कितने में मिलता है। तो भाई फाइनली शीशा मिल गया था, और शीशा मिला 950 का, मुझे लोकल ही मिला है, और ओरिजिनल उन्होंने कह दिया था 15 दिन तक टाइम नहीं है। तो अब मैं दिखा देता हूँ इसे लगाना कैसे है। तो जैसे कि लेफ्ट साइड का टूटा था, तो मैं दिखा देता हूँ। लेफ्ट साइड में ना यहाँ पे कवर लगा रहता है, ये रहा वो कवर, आप जैसे वीडियो में देख सकते हैं, ये यहाँ पे लगा रहता है। ये सिंपली बस पुल आउट करना होता है, ऐसे इसे खींचना होता है। ये यहाँ पे इसके लॉक है जो इसमें लग जाते हैं और ये एक्सपेंड हो जाते हैं, तो ये ऐसे बस खींचना होता है। खींचने के बाद यहाँ पे दो स्क्रू थे, बस मुझे ये दो स्क्रू निकालने थे, और तीसरा स्क्रू आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये तीन स्क्रू निकाल के, जैसे कि दो मैंने निकाल दिए हैं यहाँ पे, ये वाले दो, और ये तीसरे वाला मैं आपको ये वाला ये निकाल के दिखाता हूँ अभी। तो भाई अब ये वाला शीशा है, इसे मैं लगाता हूँ। पहले इसके ये वाले नट लूज़ होंगे, मैं आपको लूज़ करके दिखा देता हूँ। ये वाले निकलेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये शीशा मैंने ऐसे लगा के इसके अंदर ऐसे कर दिया है। अब इसमें स्क्रू लगा देता हूँ मैं, एक दो और ये तीन, नीचे आप देख सकते हैं ये वाला तीसरा, ये तीन स्क्रू लगाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं, मैंने तीन स्क्रू टाइट कर दिए हैं, एक दो और ये तीसरे वाला। तो ये तीन स्क्रू रहते हैं, इसमें बस तीन टाइट कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैं ये कवर चढ़ा दूँगा। ये कवर मतलब इजी है, बहुत ऐसे ही चढ़ जाता है नॉर्मली, ये आप देख लीजिए, ऐसे पुश करा और ये चढ़ गया। तो आप ये शीशा देख सकते हैं जो मैंने लगाया है, ये रहा। हालांकि इस पर जैसे कि मैंने आपको डोर हैंडल पर दिखाया था कि स्प्रे पेंट करवाते हैं, क्योंकि जैसे कि आप उस शीशे में देख सकते हैं वो यहाँ पे सिल्वर है, ठीक है। और जब ये शीशा गिरा टूटा, मैंने सोचा मतलब देख लूँ, बट फिर भाई भाई ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई ने से ये शीशा टूटा था, तो उसने ये उठाया नहीं। अगर मैं होता तो उठा लेता, एटलीस्ट ये पार्ट बच जाता और मैं ये सिल्वर लगा देता, बट कोई नहीं। जैसे मैंने आपको डोर हैंडल वाली वीडियो में दिखाया था कि मैं इस पर स्प्रे पेंट करवाया था मैंने डोर हैंडल पे, तो सेम एज इट इज़ इस पर करा लूँगा। मेरे को रंग का कोई अंतर नहीं लगा जब मैंने डोर हैंडल पे कराया, और जैसे कि अभी भी मैं दिखाऊँ, काफ़ी टाइम हो गया है, तो आप ये देख सकते हैं डोर हैंडल में और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं दिखता। मतलब नॉर्मली अगर कोई आंखों से देखे तो बिल्कुल, अगर कोई गहराई में देखे तो थोड़ा बहुत दिखता है। तो ऐसे ही मैं उधर पे करा लूँगा, और जैसे इसका भी रंग फेड हो रहा है तो क्या पता इसके ऊपर भी करा लूँ, कि जिससे एटलीस्ट शीशे दोनों एक जैसे हो जाए। तो आपको ये चीज़ जो स्प्रे पेंट वाली है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा, क्योंकि अभी रात हो गई है और मैं इस वीडियो को एडिट करके आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ, और वो जो मैं स्प्रे पेंट कराऊंगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ यार सपोर्ट करो, लाइक करो वीडियो को और शेयर करो। थैंक यू सो मच।